नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स पर। तो हमें ये एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके के नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी इसका अपोजिट यूज करना है कि हम इस नंबर को रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे और रैशनल नंबर कंसीडर करने के बाद हम इसे प्रूव कर देंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर नहीं। तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर। कंसीडर कंसीडर रूट टू इज ए रैशनल नंबर। रूट टू को हमने क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। तो रैशनल नंबर मान लिया तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स। और क्यू किसके इक्वल नहीं है? जीरो के इक्वल नहीं है। और एचसीएफ क्या होगा? ए और पी और क्यू का वन। ये क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन है सिंपल, कि देन रूट टू कैन बी रिटन एज रूट, यानी रूट टू को हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू फॉर्म में। देन रूट टू कैन बी रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म। और अब इसमें पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स। और क्यू क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो एचसीएफ ऑफ पी और क्यू कितना होगा? वन। अब रूट टू किसके इक्वल हुआ? पी वाई क्यू के इक्वल। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट टू इंटू में क्यू इक्वल टू पी। अब क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट टू क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये क्या हुई? इक्वेशन नंबर वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर टू डिवाइड करता है पी स्क्वायर को तो टू डिवाइड करेगा पी को भी। क्यों? क्योंकि बाय थ्योरम 1.3। और थ्योरम 1.3 क्या कहती है? इफ ए इज एनी प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स पी स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड पी। तो टू क्या है? प्राइम नंबर। तो ये टू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। तो क्या कहती है थ्योरम 1.3? इफ ए इज एनी प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स पी स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड पी। तो ये पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी डिवाइड करेगा। तो अगर टू डिवाइड करता है पी को तो इसका क्या मतलब है? पी इज मल्टीपल ऑफ टू। तो पी इक्वल टू टू सी। सी क्या है? सी इज एनी इंटीजर, कि सी कोई इंटीजर है। अब ये पी इक्वल टू टू सी यानी हम, और ये हुई टू डिवाइड पी, ये हुई सेकंड इक्वेशन। अब ये p इक्वल टू टू सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर वन। तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी टू सी स्क्वायर। तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। तो टू से फोर कट गया टू पर, तो क्यू स्क्वायर कितना आया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू आया टू सी स्क्वायर। सेम इसका क्या मतलब हुआ कि टू डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को। टू डिवाइड क्यू स्क्वायर। अब अगर टू टू क्या प्राइम नंबर है और कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को तो ये डिवाइड करेगा क्यू को भी बाय थ्योरम 1.3। बाय थ्योरम 1.3 से ये 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्या हुई? इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या हुआ? इक्वेशन 2 में कि 2 डिवाइड्स p,
और इक्वेशन नंबर थ्री में क्या है कि टू डिवाइड्स क्यू, तो इसका क्या मतलब है फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री से कि टू डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू, कि टू डिवाइड करता है दोनों पी और क्यू को, तो एचसीएफ क्या होगा पी और क्यू का कि दोनों को डिवाइड करता है, नहीं कॉमन है तो टू, और हमने क्या माना था कि एचसीएफ है दोनों का वन, हमारी कंसीडरेशन क्या है रॉन्ग, अगर हमारी कंसीडरेशन रॉन्ग है तो इसका क्या मतलब है रूट टू रैशनल नंबर नहीं है, सो रूट टू इज नॉट ए रैशनल नंबर, सो रूट टू इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो रूट टू क्या है रैशनल नंबर नहीं है, तो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट टू क्या है एक इरेशनल नंबर है, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि रूट टू क्या है, कि हमें प्रूव करना था कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे कंसिडर रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर की मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी उसका अपोजिट हम मान लेंगे, तो रूट थ्री क्या है एक रैशनल नंबर है, और रूट थ्री अगर एक रैशनल नंबर है तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या है इंटीजर्स, देन रूट थ्री कैन बी रिटन एज then root 3 can be written as in p by q form, और p और q क्या है integers, where p and q are integers, और q क्या है q not equal to 0 है, और q 0 के equal नहीं है, और HCF of p and q क्या है 1 है, ये हमने consider किया है, तो root 3 किसके equal होगा p by q form में हम इसे लिख सकते हैं, रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री क्यू इक्वल टू पी, अब हम क्या करेंगे इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि बोथ साइड यानी दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आई इक्वेशन नंबर वन, अगेन यहाँ क्या है कि थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसका मतलब है थ्री डिवाइड करता है P square, और 3 क्या है प्राइम नंबर, तो 3 डिवाइड P square, कि 3 क्या करता है P square को डिवाइड करता है, तो 3 P को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड P बाय थ्योरम 1.3, आपको यहां वो थ्योरम एक बार डिफाइन करनी है कि इफ ए इज एनी प्राइम नंबर, और ए की वैल्यू क्या है 3, 3 क्या है प्राइम नंबर, इफ ए इज एनी प्राइम नंबर एंड ए डिवाइड पी स्क्वायर देन ए आल्सो डिवाइड पी, तो ये हुई इक्वेशन नंबर 2, अब 3 डिवाइड पी तो इसका क्या मतलब हुआ पी इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो पी इक्वल टू क्या हुआ 3c, C क्या है C इज एनी इंटीजर, C इज एनी इंटीजर, अब P इक्वल टू 3c, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3q स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह क्या पुट कर देंगे 3c, 3q स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू हुआ 9c स्क्वायर, तो 3 से 9 कट 3 पर, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3c स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि 3 डिवाइड q स्क्वायर, कि 3 डिवाइड q स्क्वायर, अब वंस अगेन बाय थ्योरम 1.3 कि 3 क्या है प्राइम नंबर और वो डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा क्यू को भी, 3 डिवाइड क्यू बाय थ्योरम 1.3, तो ये हुई इक्वेशन नंबर 3, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या हुआ कि 3 डिवाइड पी एंड 3 डिवाइड क्यू, तो इसका क्या मतलब हुआ 3 डिवाइड दो बोथ, 3 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू, और 3 दोनों को डिवाइड करता है तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू क्या हुआ 3, एचसीएफ हुआ पी और क्यू का 3 और एचसीएफ हमें हमने कंसीडर किया था 1, तो हमारा कंसीडरेशन क्या हुई रॉन्ग, सो अवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग, तो हमारी कंसीडरेशन हुई गलत, तो इसका क्या मतलब है कि रूट 3 क्या है एक रैशनल नंबर नहीं है, तो रूट 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो रूट 3 क्या है रैशनल नंबर नहीं है, तो रूट 3 है रैशनल नंबर, ये करना था हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसमें भी क्या करेंगे हम कंसीडर करेंगे रूट 5 एक रैशनल नंबर है, कंसीडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, कि रूट 5 क्या है एक रैशनल नंबर है, और रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसका क्या मतलब है कि रूट 5 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, देन रूट 5 कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म, और पी और क्यू क्या है इंटीजर्स हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो एचसीएफ ऑफ पी और क्यू क्या होगा पी एंड क्यू का 1, ये क्या है ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है सिंपल, की अगर कोई नंबर रैशनल नंबर होगा तो हम उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू क्या है इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और एचसीएफ और पी और क्यू कितना होगा 1, अब यहाँ पर वो नंबर क्या है रूट 5 जो हमने माना है कि वो कंसीडर किया है रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 5 इक्वल टू क्या हुआ पी बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 क्यू इक्वल टू पी, अब क्या करेंगे हम दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आई इक्वेशन नंबर 1, अब इसका क्या मतलब है कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर, क्यों क्योंकि 5 है प्राइम नंबर, तो ये क्या, तो इसका क्या मतलब हुआ 5 डिवाइड पी स्क्वायर, अब 5 डिवाइड पी स्क्वायर तो 5 आल्सो डिवाइड पी, क्यों बाय थ्योरम 1.3, ये हुई इक्वेशन नंबर 2, अब 5 डिवाइड पी तो इसका क्या मतलब हुआ पी इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका मतलब हुआ पी इक्वल टू 5 सी, सी क्या है सी कोई भी एक इंटीजर है, सी इज एनी इंटीजर, तो ये पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर 1, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी का होल स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू हुआ 25 सी स्क्वायर, तो 5 से 25 कट तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आया 5 सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 5 divides q square, तो 5 also divide q, क्यों by theorem 1.3, क्योंकि 5 prime number है, और theorem 1.3 क्या कहती है, theorem 1.3 कहती है if a is any prime number and it divides p square then it also divide p, तो ये हुई equation number 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें क्या मिला कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन
टू क्या कहती है कि 5 डिवाइड पी, और 3 क्या कहती है 5 डिवाइड क्यू। तो इन दोनों से क्या मिला कि 5 डिवाइड बोथ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो एसीएफ ऑफ पी एंड क्यू कितना हुआ 5, पर हमने माना था एसीएफ ऑफ पी और क्यू 1, तो क्या है कि हमारी कंसीडरेशन है गलत, सो अवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग। तो रूट फाइव क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, तो रूट फाइव इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो रूट फाइव रैशनल नंबर नहीं है, तो उसका क्या मतलब है, रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर। रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है, और यही हमें करना था इस क्वेश्चन में प्रूव कि रूट फाइव क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि 3 + √2 है एक रैशनल नंबर। तो कंसीडर 3 + √2 इज ए रैशनल नंबर। तो 3 + √2 हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी रैशनल नंबर की, कि हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू 0, और एसीएफ और p और q कितना है 1। देन 3 + √2 कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म, कि 3 + √2 को हम लिख सकते हैं p बाय q फॉर्म में, और p और q क्या है, वेयर p एंड q आर P और Q क्या है? Integers हैं, और Q not equal to 0, और HCF of P and Q क्या होगा, HCF of P और Q होगा 1 के equal, ये consider किया। तो 3 + √2 किसके equal हुआ, P by Q, 3 + √2 हुआ P by Q के equal। तो cross, तो यहां से हम क्या करेंगे कि रूट टू की वैल्यू क्या आई, पी वाई क्यू माइनस 3, ये साइड प्लस का, इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से √2 √2 और एलसीएम आया क्यू, तो पी माइनस 3 क्यू, तो ये आई लेफ्ट हैंड साइड और ये आई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि रूट टू को हमने अगेन मान लिया, ये क्या है, हमने मान लिया रूट टू है भैया रैशनल नंबर, तो रूट टू रैशनल नंबर है, तो रूट टू को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। देन रूट टू कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स। और q not equal to है 0, और HCF of p और q क्या होगा, HCF of p and q होगा 1 के equal। तो root 2 equal to क्या हुआ, p by q, तो root 2 q equal to p। अब हम क्या करेंगे, squaring both sides, कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2q² = p² ये आई इक्वेशन नंबर 1। तो इसका क्या मतलब है, 2 / p² देन 2 also divide p। अगर 2p² को डिवाइड करेगा तो 2p को भी डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, बाय थ्योरम 1.3। टू क्या है, प्राइम नंबर है, और कोई प्राइम नंबर अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो ये हुई इक्वेशन नंबर टू। अब टू डिवाइड पी, तो इसका क्या मतलब है, पी इज ए मल्टीपल ऑफ टू, तो पी इक्वल टू टू सी। सी क्या है, सी कोई एक इंटीजर है, सी इज एनी इंटीजर। अब ये पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर वन। तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू सी का स्क्वायर, कि यहां पी की जगह हमने टू सी रख दिया, कि ये पी इक्वल टू टू सी हमने वैल्यू निकाली थी। तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, तो टू से फोर कट टू पर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हुआ टू सी स्क्वायर। वंस अगेन यह क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, इसका मतलब है कि टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन टू ऑल्सो डिवाइड क्यू, क्यों, बाय थ्योरम 1.3। तो ये हुई इक्वेशन नंबर थ्री। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री क्या होगा, कि फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री क्या मिलेगा हमें, कि टू डिवाइड बोथ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो इसका क्या मतलब है कि एचसीएफ ऑफ पी और क्यू क्या है, टू, और हमने क्या माना था एचसीएफ ऑफ पी और क्यू वन। सो अवर कंसिडरेशन क्या है, रॉन्ग, सो कंसिडरेशन रॉन्ग है। तो रूट टू क्या है, रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। तो रूट टू क्या है, तो रूट टू रैशनल नंबर नहीं है, तो रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आई है इसकी इरेशनल नंबर, तो इसका क्या मतलब है कि राइट हैंड साइड यानी p माइनस थ्री क्यू अपॉन पी भी एक इरेशनल नंबर ही होगी। कि p माइनस थ्री क्यू अपॉन पी यानी जो राइट हैंड साइड है ये भी इरेशनल नंबर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो नंबर कैन नॉट बी इरेशनल एंड रैशनल बोथ, कि वो अगर इरेशनल है तो इरेशनल ही होगा, कि ए नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ। कि कोई भी नंबर रैशनल या इरेशनल दोनों नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है इन सब का, कि थ्री प्लस रूट टू क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। कि जब दोनों साइड ही इरेशनल नंबर हैं, तो इसका क्या मतलब है कि थ्री प्लस रूट टू क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फाइव प्लस थ्री रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो हम सेम हम क्या करेंगे कि हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे, कि कंसीडर 5 प्लस 3 रूट टू इज ए रैशनल नंबर। अब 5 प्लस 3 रूट टू रैशनल नंबर मान लिया, तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, इंटीजर्स।
एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, वन के इक्वल। लेकिन यहां पर हमें ऑलरेडी पहले ही गिवन है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये हमें पहले से गिवन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू। तो यहां से हम 3 रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, पी बाय क्यू माइनस 5। तो इन 3 रूट 2 इक्वल टू इनका एलसीएम क्या आया, क्यू पी माइनस 5 क्यू। ये 3 यहां चला जाएगा, तो रूट 2 की वैल्यू क्या आई, पी माइनस 5 क्यू अपॉन 3 क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, रूट टू, और राइट हैंड साइड आई पी माइनस 5 क्यू अपॉन 3 क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन नहीं होगा तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ये इरेशनल नंबर है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में क्या है, p माइनस 5q अपॉन 3q इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ। रैशनल एंड इरेशनल बोथ, तो क्या होगा इसका मतलब, लेफ्ट हैंड, जब लेफ्ट हैंड साइड भी इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड भी इरेशनल नंबर है, तो 5 प्लस 3 रूट 2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। पर ये करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 इज एन इरेशनल नंबर एंड इट इज बीइंग गिवन दैट कि रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, कंसीडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। अब सेम ये रैशनल नंबर माना है तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, देन रूट 3 कैन बी रिटर्न इन p by q फॉर्म। वेयर पी एन क्यू क्या है, पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और एच सी एफ और पी एन क्यू क्या है, एच सी एफ और पी और क्यू है वन के इक्वल। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 इज ए रैशनल नंबर व्हाइल इट इज बीइंग गिवन दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सेम कंसीडर कर लेंगे कि 3 प्लस रूट 7 बाय 5 इज ए रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर माना है तो इसका क्या मतलब है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, देन 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 कैन बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, और एच सी एफ ऑफ पी एन क्यू क्या होगा, वन के इक्वल। तो 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 इक्वल टू पी वाई क्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 अपॉन 5 प्लस रूट 7 अपॉन 5 इक्वल टू पी बाय क्यू। तो रूट 7 अपॉन 5 इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस 3 बाय 5, एलसीएम आया 5, तो 5 एलसीएम आया 5 क्यू, तो यहाँ आई
यहाँ वैल्यू आई 5 5p माइनस 3q यानी रूट 7 अपॉन 5 से 5 कट। तो रूट 7 इक्वल टू क्या है 5p माइनस 3q अपॉन क्यू। तो रूट 7 अपॉन 5 इक्वल टू आया 5p माइनस 3q अपॉन 5q। 5 से 5 कट तो रूट 7 की वैल्यू क्या आई 5p माइनस 3q अपॉन क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई रूट 7 और राइट हैंड साइड क्या आई 5p माइनस 3q अपॉन क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है हमें ऑलरेडी गिवन है कि पहले से गिवन है कि रूट 7 क्या है इरेशनल नंबर है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी इरेशनल नंबर होगी, यानी राइट हैंड साइड क्या है 5p माइनस 3q अपॉन क्यू इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये राइट हैंड साइड भी इरेशनल नंबर होगी, क्यों होगी क्योंकि ये नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ। ये नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ, तो इसका क्या मतलब है कि जो नंबर हमने कंसीडर जो हमें इस क्वेश्चन में दिया था 3 अपॉन रूट 7 बाय 5 क्या होगा रैशनल नंबर नहीं होगा, इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो हमारी कंसीडरेशन क्या है, हमारी कंसीडरेशन है रॉन्ग। तो क्या होगा कि 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रूट 7 अपॉन 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या होगा 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 होगा इरेशनल नंबर। ये अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट 2 प्लस 3 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर where it is being given that root 3 is an irrational number. So same हम क्या करेंगे, consider करेंगे, consider 2 plus 3 root 3 is a rational number. 2 plus 3 root 3 rational number हमने consider कर लिया, तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको p by q form में लिख सकते हैं, then 2 plus 3 root 3 can be written in p by q form. P by Q form. तो इसका क्या मतलब है कि और P और Q क्या है यहाँ पर, P and Q are integers. कि P और Q हैं integers. अब P और Q integers हैं तो इसका यानी और Q not equal to है zero. कि denominator अगर rational number है तो zero के equal नहीं होगा. और HCF of P and Q क्या है, HCF of P और Q है one के equal. तो 2 प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू है p बाय q के। तो यहां से हम 3 रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी p बाय q माइनस 2। तो q एलसीएम आया तो p माइनस 2q, तो रूट 3 की क्या वैल्यू आई p माइनस 2q अपॉन 3q, 3 यहां क्रॉस नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है रूट 3, अब ये ऑलरेडी हमें गिवन है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है हमें गिवन। तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है यानी लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है, तो राइट हैंड साइड p माइनस 2q अपॉन p माइनस 2q अपॉन 3q इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर।
माइनस टू क्यू अपॉन थ्री क्यू इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, क्यों? क्योंकि ए नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी कंसिडरेशन है रॉन्ग, सो अवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग। ये हमारे जो हमने माना था वो है गलत, कि हमने क्या माना था कि 2 प्लस 3 रूट 3 रैशनल नंबर है, तो ये क्या है 2 प्लस 3 रूट 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है इरेशनल नंबर है, देन 2 प्लस 3 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यही करना था हमें इस क्वेश्चन में, सो दैट 3 प्लस 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर व्हाइल इट इज बीइंग गिवन दैट कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे 3 प्लस 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, कि ये हमने मान लिया कि भाई 3 प्लस 5 रूट 2 है इरेशनल नंबर। अब जब ये इरेशनल नंबर है तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू के पी और क्यू क्या है इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये गिवन है कि अब जैसे इसमें ऑलरेडी गिवन है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो इससे आपका ये बेनिफिट है कि इससे क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा कि 3 प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू पी वाई क्यू, एचसीएफ कितना है पी और क्यू का 1। अगर ये रूट 2 इरेशनल नंबर गिवन नहीं होगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा इसमें पहले, कि जैसे यहां से रूट 2 की वैल्यू हम निकालेंगे, रूट 2 की वैल्यू यानी 5 रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी पी वाई क्यू माइनस 3, तो एलसीएम आया क्यू तो पी माइनस 3 क्यू, तो रूट टू की वैल्यू क्या आई पी माइनस 3 क्यू अपॉन 5 क्यू। अगर यहाँ पर रूट टू इरेशनल नंबर गिवन नहीं होता तो आपको पहले प्रूव करना पड़ता, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ऑलरेडी गिवन है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब जब रूट टू ये क्या है गिवन, अब जब लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड मैं चाहे कुछ भी हो वो भी इरेशनल नंबर ही होगा, कि p माइनस 3 क्यू अपॉन 5 क्यू इज एन इरेशनल नंबर, क्यों क्यों होगा, क्योंकि a नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, तो और हमने क्या माना था कि 3 प्लस 5 रूट 2 है रैशनल नंबर, सो अवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग। मतलब 3 प्लस 5 रूट 2 क्या है रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट ए रैशनल नंबर। और जब वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा 3 प्लस 5 रूट 2 होगा एक इरेशनल नंबर। 3 प्लस 5 रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर है, और ये हमें करना था इस क्वेश्चन में प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 प्लस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर व्हाइल इट इज बीइंग गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे 3 प्लस
टू प्लस थ्री रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर माना है तो इसका मतलब है कि हम इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है? P और Q है इंटीजर्स। P and Q are integers and Q not equal to zero. और LCF of P और Q क्या होगा? वन के इक्वल। तो टू प्लस थ्री रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ से हम रूट फाइव की हमें रूट फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो थ्री रूट फाइव की वैल्यू क्या होगी? पी बाई क्यू माइनस टू, तो क्यू पी माइनस टू क्यू। तो रूट फाइव की वैल्यू क्या आई? पी माइनस टू क्यू अपॉन थ्री क्यू। तो रूट फाइव हमें ऑलरेडी यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन है, रूट फाइव इज एन रैशनल नंबर। ये क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है? गिवन। अब जब ये गिवन है तो राइट हैंड साइड में क्या है कि p माइनस टू क्यू अपॉन थ्री क्यू ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों इरेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि ए नंबर कैन नॉट बी रैशनल और इरेशनल बोथ। So our consideration is wrong. हमने क्या माना था? 2 plus 3 root 5, 3 root 5 क्या माना था हमने? Rational number. So our consideration is wrong. और जो wrong है consideration, तो 2 plus 3 root 5 क्या है? Rational number नहीं है। जो रैशनल नंबर नहीं है तो टू प्लस थ्री रूट फाइव क्या है? इरेशनल नंबर है। और यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फाइव माइनस टू रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर व्हाइल इट इज बीइंग गिवन दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम हम मान लेंगे कि कंसीडर फाइव माइनस टू रूट थ्री ए रैशनल नंबर। तो इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कि हम ये जो फाइव माइनस टू रूट थ्री है इसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या है? P and Q are integers and Q not equal to zero. Q zero के equal भी नहीं है। और LCF of P and Q क्या होगा? One. अब five minus two root three equal to P by Q. और यहाँ से हमें root three की value निकालनी है। तो five minus P by Q equal to two root three. क्या हमने वैल्यू इधर से उधर शिफ्ट करी है। अब तो एलसीएम आया क्यू फाइव क्यू माइनस पी इक्वल टू रूट थ्री और ये टू यहाँ पर आ गया, क्रॉस यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब रूट थ्री की वैल्यू क्या आई? फाइव क्यू माइनस पी अपॉन टू क्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड यानी रूट थ्री इरेशनल नंबर है, ये ऑलरेडी गिवन है। रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ये ऑलरेडी गिवन है। ये क्या है? गिवन। और जो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में फाइव क्यू माइनस पी अपॉन टू क्यू है, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा।
अब क्यों होगा इरेशनल नंबर? क्योंकि ए नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ। तो क्या है कि हमारी जो कंसिडरेशन थी 5-2√3 हमने रैशनल नंबर माना था वो है गलत। सो अवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग। सो अवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग। सो 5-2√3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अब वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो 5-2√3 इज एन इरेशनल नंबर। यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 7-2√3 इज एन इरेशनल नंबर व्हाइल इट इज बीइंग गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम हम क्या मानेंगे कि 7-2√3 इज ए रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर मान लिया है तो इसका मतलब है कि इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 7-2√3 कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। अब p by q फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। और p और q क्या है? इंटीजर्स। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एंड q नॉट इक्वल टू 0। और एचसीएफ ऑफ p एंड q क्या होगा? 1 के इक्वल। तो 7-2√3 इक्वल टू p बाई q। अब यहां से हमें रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 7-pq इक्वल टू 2√3। एलसीएम आया q, तो 7q-p इक्वल टू 2√3। तो 7q-p अपॉन 2q इक्वल टू 2√3। तो 2√3 किसके इक्वल आया? 7q-p अपॉन 2q। 2√3 यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन है इरेशनल नंबर। 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? ये है गिवन। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर ही होगी। 7q-p अपॉन 2q इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ए नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ। रैशनल बोथ। सो आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग। हमारी कंसीडरेशन क्या थी कि 7-2√3 रैशनल नंबर है। सो आवर कंसीडरेशन इज wrong। अच्छा, कंसीडरेशन रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि 7-2√3 क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। इज नॉट ए रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये है इरेशनल नंबर। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 8+5√5 इज एन इरेशनल नंबर व्हाइल इट इज बीइंग गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 8+5√5 क्या है? रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर हमने मान लिया तो सेम कि हम इसको p/q फॉर्म में भी
लिख सकते हैं, देन 8 प्लस 5 रूट 5 कैन बी रिटन इन p by q form, यानी 8 प्लस 5 रूट 5 को हम p by q form में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, p और q है इंटीजर, where p and q are integers और q not equal to है जीरो के, कि q जीरो के इक्वल नहीं है, और LCF of p of q होगा 1 अगर ये रैशनल नंबर है। तो a प्लस 5 रूट 5 किसके इक्वल हुआ, p by q के। अब यहां से हमें रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, कि तो 5 रूट 5 किसके इक्वल है, p by q माइनस 8, यानी q, तो p माइनस 8 q अपॉन q। तो यहां से रूट 5 की वैल्यू क्या आई, रूट 5 इक्वल टू आया p माइनस 8 q अपॉन 5 q। लेफ्ट हैंड साइड रूट 5 जो है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इज एन इरेशनल नंबर। और जब ये ऑलरेडी गिवन है इरेशनल नंबर, तो राइट हैंड साइड में क्या है, p माइनस 8 q अपॉन 5 q भी इरेशनल नंबर ही होगी। अब ये इरेशनल नंबर है, सो आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग। और हमारी कंसीडरेशन क्या थी, कि भाई a प्लस 5 रूट 5 है इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सो आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग। तो इसका क्या मतलब है, कि 8 प्लस 5 रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, कि 8 प्लस 5 रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है। और रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो होगा 8 प्लस 5 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन, सो दैट 11 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, व्हाई इट इज बीइंग गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया कि जहां पर ये गिवन हो कि रूट 2, जैसे उस क्वेश्चन में रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, या कुछ भी है, अगर वो गिवन है कि वो इरेशनल नंबर है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉर्ट कर देता है। कि जैसे अगर ये नहीं गिवन होगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले। तो इसमें क्या है, कंसीडर 11 प्लस 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर हमने मान लिया, तो इसका मतलब है कि हम इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, इंटीजर्स। और q नॉट इक्वल टू है जीरो के। अब LCF of p और q क्या होगा, 1 अगर हमारी कंसीडरेशन करेक्ट है। जब हमने इसे रैशनल नंबर माना है तो इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि रैशनल, दो रैशनल नंबर जब रैशनल नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ 1 होगा। तो 11 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू। अब यहां से हमें रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, पी बाय क्यू माइनस 11 अपॉन 1। तो एलसीएम आया क्यू, पी माइनस 11 क्यू। तो रूट 2 की वैल्यू क्या आई, पी माइनस 11q अपॉन 3q। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 जो है वो ऑलरेडी गिवन है इरेशनल नंबर, अब ये है ऑलरेडी गिवन। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है, तो राइट हैंड साइड p माइनस 11q अपॉन 3q
is also an irrational number. जब लेफ्ट हैंड साइड ही इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी इरेशनल नंबर होगी. क्यों? क्योंकि ये नंबर कैन नॉट बी रैशनल एंड इरेशनल बोथ. एक नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि वो रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो. तो हमारी कंसिडरेशन क्या है? गलत. सो अवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग. तो हमारी कंसिडरेशन क्या है? गलत है. तो 11 प्लस 3 रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर नहीं है. अब जब 11 प्लस 3 रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है? 11 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. और यही करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ. तो ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर 1 रियल नंबर के जो 2007 से लेकर 2023 तक आए हैं. तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी. अगर ये क्लास आपके समझ में आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस क्लास को लाइक कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के सैंपल पेपर्स की, जो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर में है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास.